सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब के लिए इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। कभी आपने सोचा, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में अभी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बींग ए इंजीनियर, अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हो तो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाओगे और बाहर चले जाओगे। आउटडेटेड होने से बहुत सारे इशूज़ आपको होंगे, तो आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड से मतलब इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें क्या चल रही हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना, फिर उस पर वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। सो पहली बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। और अगर करियर से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने करियर काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट किया है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके ज़रूर देखिए और वहाँ से आपको करियर काउंसलिंग मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर साइंस में एग्जैक्टली क्यों इतना हंगामा हो रहा है। देखो, एआई ने कहीं ना कहीं तूफान तो मचा दिया है, ठीक है, हंगामा कर दिया है। बहुत सारे लोग, हमने खुद बोला था, बहुत सारे लोगों ने भी बोला, मैंने भी खुद बोला था, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ थे उन लोगों ने भी बोला था कि एआई बहुत बड़ा चेंज लाएगा, और वो ला दिया। मतलब करोड़ों लोग जॉबलेस हुए हैं एआई की वजह से। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इस साल जो टीसीएस है, टीसीएस प्रॉफिटेबल रहा और टीसीएस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी बनी है। और टीसीएस ने अनाउंसमेंट किया कि इस साल वो कम से कम 10,000 से 20,000 नौकरी देगा। तो एक गुड न्यूज़ भी है इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से टीसीएस हायरिंग के लिए सोच रहा था तो मतलब नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, और आई थिंक आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए और आपको इस पर वर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई ये चीज़ है तो ये कैसे जाएगी और किस तरह से जाएगी। देखो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब न मिलने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल, करंट टेक्निकल स्किल। आप पुराने ढर्रे की चीज़ें पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि भाई पीएचपी में के बारे में, आप पढ़ रहे हो नॉर्मल ऐप बनाने के बारे में, और यहाँ एआई मार्केट पे धावा बोल दिया, आपसे 10 गुना आगे सोच रहा है एआई। तो भाई आपको एआई पे फोकस करना पड़ेगा। डेटा साइंस आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, सिक्योरिटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है। तो अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं मिल रहोगे तो जॉब नहीं मिल पाएगी। मैं लिटरली वीडियो में आपको बता रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, नहीं मिल पाएगी तो नहीं मिल पाएगी। भाई आज से 15 साल पहले आप चले जाओ तो फिर सिर्फ डिग्री की वजह से एंट्री हो जाती, भाई डिग्री लिया है, नॉलेज तो होगा ही, धीरे धीरे कर ले जाएगा। अब नहीं, अब इतना कोई वेट नहीं कर पाता, सबको चीज़ें जल्दी 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 चाहिए, फास्ट सुपर फास्ट चाहिए। लोग वेट नहीं करना चाहते हैं, लोग सोचते हैं चीज़ें हो गई ठीक है, इट्स ओके, अभी मेरे को चाहिए। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा और लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा। कंपनीज भी देखना पड़ेगा, अच्छी कंपनी में आपको जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कंपनी में जाओगे तो वहाँ करियर बेटर रहेगा, अच्छी कंपनी में जाओगे वहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर निकल के आएंगे, और अच्छी कंपनी में नहीं जाओगे तो करियर ध्वस्त हो जाएगा। मतलब वहाँ फिर आप स्ट्रगल करते रहोगे कैसे आगे बढ़े, किस तरह चीज़ों को लेके जाएं, चीज़ें किस तरह आगे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। तो जानना बहुत ज़रूरी है, फिर उस पर काम करना, धीरे 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 आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। और अगर आप सही तरीके से और सही ढंग से अपने करियर को आगे लेके चले गए तो ट्रस्ट मी गाइस, आप इतना अच्छा कर ले जाओगे ना, फिर आपको कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। अनलिमिटेड पैसा है, पिछले 10 सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने बहुत पैसे लोगों को कमा के दिए, हमने भी खूब पैसा कमाया, ठीक है। लेकिन अब की सिचुएशन में टफ हो गया है, मतलब कि कुछ गिने चुने लोग ही करोड़ों की पैकेज मिल रही है, कुछ गिने चुने लोग ही अर्न कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग के हिसाब से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंडिंग के हिसाब से चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग बीटेक कर रहे हो, जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो, सीएस और आईटी से हो, तो भाई जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड है, वैसे तो भाई इंडस्ट्री ट्रेंड भी है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे चले जाओगे, इतने पीछे जाओगे आपको कोई पूछने वाला नहीं। और जॉबलेस होना बहुत खतरनाक चीज़ है, तो आई थिंक आपको जॉब पे फोकस करना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए, टेक्निकल स्किल को सीखना चाहिए, तभी जाकर ये चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो पाएंगी। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।